नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरी इकाई का पाठ दो, बेटी युग का स्वाध्याय, मतलब प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर एक क्या है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो देखिए इसमें क, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसमें क्या दिया था, बेटी युग में दिया था और गढ़ेंगे दिया था, ठीक है। इसको हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, इसको क्या लिखा है हमने, देखिए बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको ये जो पंक्तियाँ हैं इसको पूरा करना है। अभी ये ख, इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया था, देखिए बेटी युग दिया था और यहाँ पर दिया था उत्थान पर्व है, बीच का हमने लिखा है, क्या लिखा हमने, देखिए बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सब का सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर दो क्या है, जानकारी लिखो बेटी पर्व। तो देखिए हमने लिखा है, क्या लिखा है हमने, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आधुनिक युग बेटियों का युग है, इस युग में बेटा बेटी सब समान है, अब बेटियों को भी शिक्षा गौरव एवं प्रगति का अधिकार है, बेटा बेटी दोनों की शिक्षा से ही शिक्षा पूरी होगी, इस तरह बेटी युग में कोई शिक्षा से वंचित न होगा, ज्ञान की पावन धारा हर घर पहुंचेगी और हम अपने नेक और फौलादी इरादों से नया इतिहास गढ़ेंगे, इस तरह बेटी युग एक सम्मान पर्व है, यह एक पुण्य एवं ज्ञान पर्व है, सबके उत्थान का पर्व है। देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ कर के बताया। फिर उसके बाद इसमें छह है, शिक्षा में विश्व। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखा हमने, प्राचीन काल में सबको शिक्षा एवं समानता का अधिकार नहीं था, परंतु अब युग परिवर्तन हो गया है, आधुनिक युग में बेटा बेटी सबको शिक्षा प्राप्त होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा हर घर पहुंचेगी, अज्ञान का अंधकार मिटेगा, सब शिक्षित होंगे तभी शिक्षा पूरी होगी और संपूर्ण विश्व शिक्षा में होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ये गांव दिया था तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, गांव लिखा है, मतलब गांव गांव, फिर इधर उधर, फिर घूमना फिरना, धन दौलत जान पहचान, कूड़ा करकट फल फूल घर घर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे क्या बोला था कि वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। तो देखिए यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ये वाक्य दिए थे, तो देखिए हमने इन सभी में शब्द युग्म लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक एक। जैसे यहाँ पर पहला है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई, ठीक है, इसमें क्या आएगा, धन दौलत। फिर उसके बाद दूसरा है, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है, क्या लिखना है आपको दूसरे में, क्या लिखना है, घूमना फिरना। चलिए अभी तीसरा देखते हैं, दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती हैं, आपको इसमें लिखना है घर घर। फिर चौथा, अंतर जाल के सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है, इसमें आपको लिखना है गांव गांव, ठीक है। फिर पांचवा देखिएगा, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए, यहाँ पर आपको लिखना है फल फूल। फिर छठा है, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया, क्या लिखना है आपको इसमें, कूड़ा करकट। फिर सातवा, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया गया, इसमें क्या लिखा है हमने, जान पहचान। फिर उसके बाद यहाँ पर आठवां है, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे, यहाँ पर आपको लिखना है इधर उधर, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट दो का स्वाध्याय पूरा कंप्लीट किया, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।